ये देखें भाई, अम्मा ने तो पहन ही लिया भाई। बड़ा चंगा लगता पे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और इधर आप पीछे देख रहे थे कि यहाँ पर भाई हमारी ये सब्ज़ियाँ जो है ना, उनकी बुआई हो चुकी है। इधर रहे प्याज और ये रही साथ में गोभी। लास्ट टाइम भी हमने प्याज और गोभी लगाई थी और वहाँ पर गाजरें लगी हुई हैं। वो एंड वाली एक क्यारी आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे पालक, साथ में मेथी, मूलियाँ, लहसुन, वहाँ पे मटर, वो जो लीमू वाली की आ रही है छोटी सी, वहाँ पे मटर लगे हुए हैं। मतलब तकरीबन सारी ही सब्जियाँ हमने लगा दी हैं जो सर्दियों की होती हैं। इसका आइडिया नहीं है क्या लगा हुआ है यहाँ पे। वैसे तो मार्केट में सारी सब्जियाँ आ गई हैं, हम हो गए हैं काफ़ी लेट। चलें कोई बात नहीं, हम ना थोड़ी लेट तक खाते रहेंगे, हमारी सब्जियाँ जो है ना लेट तक फ्रेश रहेंगी। और दरमियान में उसी तरह हमने थला बनाया हुआ है, यहाँ पे हम कुकिंग वगैरह करेंगे जब सब्जियाँ हमारी उग जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। वो जगह जो बची पड़ी है ना, वहाँ हमारा प्लान है या तो फिर हम वहाँ पे साग लगाएंगे या फिर प्याज लगाएंगे। प्याज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते रहते हैं तो प्याज जो है ना ज़्यादा होने चाहिए। वहाँ पर मज़ीद खेलियाँ वगैरह बनाएँगे और प्याज लगा देंगे। इधर वो करना, क्या जुगाली कर रही हो, क्या खा रही हो? बादाम, अकेले 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 छुप छुप के बादाम, कोने में छुप के बादाम खाती है, नहीं मांगता यार मैं। चाय बना दे। चलो जल्दी करो चाय बनाओ, मुझे ना बहुत से काम आ रहे हैं, मैंने काम करने हैं। अच्छा, कौन से काम आ गए? बहुत सारे आ गए हैं, बताता हूँ ना। चाय तो पहले अच्छी सी बनाओ ना, मजेदार सी चाय बनाओ। सुबह टाइम जो चाय बनी हुई थी ना, मजा नहीं आया क्योंकि दूध जो था ना वो मतलब रात वाला था, सारी रात फ्रिज में पड़ा रहा है, फ्रेश दूध नहीं था। अभी कोई वीआईपी सी चाय बना के दो। बिल्कुल, पहले मुझे काम बता देना। काम बताता हूँ ना, काफी मतलब काम मेरे तो पेट में दर्द होने लग जाती है जब आप कहते मुझे कोई काम है लेकिन बताते नहीं है। बताता हूँ भाई, जब से ये वाले मैंने बूट लिए है ना, साल हो गया इसको, मैंने आज तक पॉलिश नहीं किया, इसकी हालत देख ले। और आज भाई औखे सौखे मैं पॉलिश लेके ही आया हूँ, चेरी ब्लॉसम, इतने दिनों बाद ये मैंने ली है। आज मुझे इसके रेट का पता चला है और इसका रेट है 400 कोई 20-30 रुपए उसने लगाए हैं इसके। जब मैंने ली थी तो उस टाइम कोई 70-80 या 120 रुपए के राउंड अबाउट थी ये वाली डिबिया। अब अचानक से रेट इसके इतने हाई हो गए हैं, अचानक तो नहीं, खैर मुझे भी कोई 2-3 साल हो गए हैं इस तरह की पॉलिश लिए हुए और अब इसका रेट देखें भाई। तो मैंने जब रेट इसका सुना तो मैं हैरान रह गया, हैं इतना रेट इसका, मतलब ये 60-70 रुपए की मिला करती थी तो अब अचानक से 400 से ऊपर चली गई। खैर मैंने कोड़ा घूंट भर लिया, दिल तो मेरा नहीं कर रहा था लेने के लिए भी इतनी महंगी। और अभी भाई इसको करते हैं अच्छे से पॉलिश, इसका कलर काफी खराब हो गया था, कलर दोबारा जो है ना इसका वापस आ जाएगा। बूट बिल्कुल नया है, लिया पिछले साल था। ये देखें भाई, बूट तो मेरे चमक गए हैं, मैं अभी इनको इजी ले रहा था। ये ज़बरदस्त बूट हैं अभी तक भी, इनको पॉलिश अगर रेगुलरली किया जाए तो ये कहीं नहीं जाने वाले, इनकी चमक जो है ना ऐसे ही रहेगी। और इधर भाई चाय भी बन चुकी है, मैं हाथ धो लूँ और उसके बाद चाय पीता हूँ। इधर भाई गर्मियों वाले फूल मैंने यहाँ पर लगाए हुए थे, ये क्या नाम है इसका, गुल दोपहरी, याद आ गया। और अब इनका भाई मौसम चला गया, इनके ऊपर फूल नहीं लगते। और ये गमले जो हैं ये भी टूट फूट का शिकार हो गए हैं, ये देखें भाई गल गए हैं, धूप पे पड़े रहे हैं। तो इन गमलों को हटाना है और इधर नए जो फूल मैं लेके आया हूँ इन फूलों को यहाँ पे रखना है, यही जगह जो है ना इन गमलों के लिए मुनासिब रहेगी। इधर फर्श पर रखेंगे तो पानी जब लगाते हैं तो ये देखें पानी नीचे निकलता रहता है और मिट्टी भी नीचे निकलती रहती है और फर्श ख़राब हो जाता है। हो जाओ शुरू, चलें मिलके ये काम कर लेते हैं, गमले उठा लेते हैं ये यहाँ से। और इनको ख़राब नहीं करना, आराम से उठाना है। ये जो इसमें गुल दोपहरी बेल लगी हुई है ना, ये मतलब गर्मियों में फिर काम आएगी। इनको यहाँ पे रख लेते हैं इस जगह पे। अबे सारे गमले मैंने उठा के रख दिए, इधर जगह हो गई हमारी क्लियर और इसके ऊपर ये मिट्टी वगैरह लगी हुई है, इसको एक दफ़ा झाड़ू से साफ़ कर लेते हैं। काफ़ी बार ये वाली बेल जो है ना मैं वीडियो में दिखाता रहता हूँ क्योंकि ये है इतनी खूबसूरत, मेरा दिल करता है कि हर दफ़ा इसको वीडियो में दिखाऊं,
और हमारे काफ़ी व्यूअर्स जो हैं वो पूछते भी रहते हैं कि इसका नाम क्या है। अमूमन हर घर में योगी होती है, लेकिन ये वाली जो टाइप है ना कुछ अलग ही है उसी फैमिली से, और इसका नाम आपको सर्च करके बताता हूँ। ये मेरे पास गूगल लेंस जो है ना खुला हुआ है, मुझे भी फ़िलहाल इसके नाम का सही तरह नहीं पता, तो चलें इसको सर्च कर लेते हैं। तो इसकी एक फ़ोटो बना लेते हैं हम, ये देखें भाई हमारे पास इसका नाम आ गया है, बोगेनविला ग्लैब्रा। इसी की एक किस्म है, इसका कलर कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका ये डिफरेंट कलर्स में है, और उन्हीं कलर्स में से ये एक कलर है, लेकिन ये है बड़ा खूबसूरत और इसके ऊपर फूल बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें इधर अम्मा जी भी आ गई हैं। हाँ जी हार पवे खलोते हैं, ऐसे ही लग रहा है। और भाई इधर हमारी जगह जो है साफ़ हो गई है, ये देखें यहाँ से हमने पहले वाले गमले हटा दिए और पानी से इसको अच्छी तरह धो दिया, और अब ये वाले जो गमले हैं ये इधर रख देते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, ऐसा ही ना, ऐसे ऐसे। गेट के सामने ही ये साथ पड़े हैं, जो भी एंटर होगा साथ में खूबसूरत व्यू। चलें ये कह अम्मा जी कह रही हैं कि इसको उठा के यहाँ पे रख दें। चलें जी वाह जी वाह, अभी और भी ले आने हैं इंशाल्लाह। इतने ही रहते हैं तकरीबन, थोड़ा सा साइज और बड़ा होगा लेकिन नहीं तो इतने ही रहते हैं ये। हाँ जी वो देसी टाइप के होते हैं। हाँ। फूल तो हमारे सेट हो गए। आईया मैं जरा कारोबार कपड़े का कीती खड़े हूं। हां जी मैं थोड़ी बूनी करा मैं आईया अंगे कशा पे हुई है या काही नहीं हुई भैया, मैं इतने तक गई नहीं किसी लाए तो नहीं। नहीं नहीं अभी तो शुरुआत की है ना। अच्छा ना मैं मोर थोड़ी बूनी करना है, टूर्नामेंट दिखा दो पीछे कपड़े पहन मैं पसंद आ जाओ भैया आ जाओ भाई। अम्मा जी आई हैं, कहती हैं कि कारोबार हमने शुरू किया है कपड़ों वाला। ये आपको पता है इधर भाई सवर भी आए हुए हैं, ये भी कपड़े देखने आए हुए हैं, तो शायद इनको भी पसंद आ जाए। तो अभी तक आपको पता है कि हमने ऑफिशियली जो है ना पेज शेज कोई नहीं बनाया, ना फेसबुक पे ना इंस्टाग्राम पे। इंशाल्लाह आज रात जो है ना मैं बैठ के बना लूँगा, तो कल इंशाल्लाह मैं ना उसको पब्लिक कर दूँगा। नाम वगैरह जो है ना वो भी हमने डिसाइड करना है, आपने काफ़ी कमेंट्स किए थे और उन्हीं में से हम ना कोई नाम जो है ना सिलेक्ट कर लेंगे। और इधर देखें अम्मा जी, इतने ज़्यादा कपड़े तो नहीं ले आए हम, लेकिन शुरुआत है ना तो शुरुआत में थोड़े से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी इधर नहीं नहीं आप तो इधर से देख रही है ना, इधर से देखे ना, ये सूट पसंद किया बड़ा काम है। आप तो ऐसे ही सादा में ले रही थी इसको। सादा बनाई था नहीं, ये पूरा ये एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर। हाँ कैसा लग रहा है ये देखें भाई, अम्मा ने तो पहन ही लिया भाई। बड़ा चंगा लगता है। हाँ जी अच्छा ये तो हो गया कमीज, आ हो गया दुपट्टा, नहीं नहीं सलवार, ये पजामा या सलवार जो भी है। सलवार भी बड़ी फैशनी है, बड़ी फैशनी है। क्या बात है, बस इतनी इतना ही नाप के टूरिया हो दूर हर नहीं करके। अच्छा यही लेना है, और भी देख लें, और भी काफी खूबसूरत कपड़े पड़े हैं उनमें से पसंद कर लें। अभी भाई अम्मा जो है ना गाहक बन के आई है। सोने कलर है तो मैं तो यही चंगा लगा।
अच्छा ये वाला ठीक है, आपके लिए ही रख ले। और नहीं नहीं ये पहला आपको गिफ्ट हो गया, कोई बात नहीं, पैसे आप क्यों दे रही हैं, बुनी हो गई तो गिफ्ट ही हो गया। हाँ जी साठ लेनी पाई, बुनी पे करनी पाई, दुआ ही करनी पाई, ये पहला सूट जो है ना वो सेल हुआ है हमारा, और अम्मा जी कहती हैं कि ये दुआ के साथ में पैसे हैं, मना नहीं करना। हाँ, नहीं। कहती हैं कि बाद में फिर आपका जब दिल करे जितना दिल करे आप देते रहे। माँ वास्ते काफी प्यारी है ना, अगे ना थोड़ा घना थोड़े हलासला टाइट होंगे तो बंदा ना कर सकता हूँ, जो तो रब दिता है तो मान बंदा भावे इतने पवा सके, पता अगली गल तो जिंदगी का की पता है। नहीं तू कोई होर वेख ला यार, कोई जरूरी है ऐ कोई चीज है, ये खद्दर है वो हैंडमेड जी, तो हां लगती इस तरह है ना हैंडमेड। ये किस चीज के लिए? ये शर्ट्स वगैरह बनाने के लिए होता है। लेडीज है, लेडीज मतलब जो शर्ट अलग से लेती हैं और ट्राउजर अलग से होता है, उनके लिए ये बेस्ट है। नहीं अपनी मर्जी है, ट्राउजर अलग से भी ले सकते हैं और इसके सलवार का कपड़ा भी है साथ, चादर भी है इसके साथ। अच्छा, और लड़कियां ज्यादातर मैंने ऐसे देखा ऐसे करती है कि तीनों के ना डिफरेंट डिफरेंट शर्ट्स बनवा लेती है, कपड़ा लेके ना साथ कोई पैंट ले लेती। चलो ग्राहक को कन्विंस करो, करो भाई कैसे डील कैसे करना है करके दिखाओ। ये सूट अम्मा को फर्ज करो नहीं पसंद आ रहा, ये सूट जो पड़े हैं ना ये दिखाओ भी सही और अम्मा को एग्री करो कि वो सूट कोई ना कोई खरीद के जाए, क्योंकि ये काम जो है ना किरण ही संभालना है, ये लेडीज वाले कपड़े जो हैं किरण ही संभालेगी इसका काम को ऑनलाइन। और अब भाई गाहक आए हुए हैं और किरण ने गाहकों को कन्विंस करना है कि वो कोई ना कोई सूट जो है ना खरीद के जाए। चलो भाई डील करो, कैसे डील करना है? भाई की पसंद बड़ी अच्छी है, बस बहुत ज्यादा अच्छी है। जी जी ये आप पूरा खोल के देखे ना, ये प्रिंट है सारा ऐसे आपको प्रिंट मिलेगा, ये सारी कट्टी है साथ इसके, ये जो है ना चादर ये सारी डिफरेंट है, ये कंट्रास्ट है, ये देखिए ये और दोनों रंग मिला के कंट्रास्ट है, बाकी शलवार और कमीज ये ही कपड़ा, ये आप पहन के देखे आप खुश हो जाएंगे। माशाल्लाह ये देखिए ये इकट्ठा कपड़ा है, बिल्कुल करूंगी मेरा काम है वो। ये बड़ा जबरदस्त कपड़ा है और आप पहन के देखिए बड़ा अच्छा लगेगा। हां जी अच्छा, मैं तो पसंद आ गया। अच्छा हां, बड़ी बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है, ये गाना भी रहती है। वाकई भाई ये अम्मा जी पे सूट करेगा, बस आज एक तो शाम में सूट दियो। चलो जी पैक करो सूट। अम्मा जी ने सूट कर लिया चेंज, ये रख लिया अम्मा जी ने सूट। सर्दियों के बड़े काम आएगा और प्रिंट भी अच्छा है, प्रिंट भी अच्छा है और कपड़ा भी स्टफ भी काफी मोटा है। अब हम सिलवाएंगे पहनेंगे तजर्बा करेंगे और आप लोगों को रिव्यू देंगे कि इनके जो कारोबार है ना वो कैसा है। पीस जो है ना हम चुन चुन के लेके आए हैं, भाई जो हमसे खरीदे वो खुश हो, ये कंफर्म है पक्का। हां ये ले, चले भाई पहला सूट हो गया सेल। माशाल्लाह माशाल्लाह, लपेट के दो अच्छी तरह भाई, पैकिंग में दो। ये वाला दुपट्टा है और कमीज का कपड़ा है और शलवार भी इसमें से निकलेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।